सुप्रभात बच्चों, ये आपकी हिंदी की कक्षा है। आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी व्याकरण है उसका अनुच्छेद दशहरा करेंगे, ठीक है। और दशहरा जैसा कि अभी आने वाला भी है तो हम दशहरा के बारे में इसके इस अनुच्छेद के माध्यम से हम इसको जानेंगे भी कि दशहरा हम मनाते क्यों हैं, दशहरा किस लिए मनाया जाता है। तो अनुच्छेद में हम क्या करेंगे, इसको चार पांच वाक्य में नहीं करना है, हम इसमें जो जितना लिखा है हम ये सारा ही करेंगे और जैसे किया हुआ है इसी तरीके से करेंगे। तो दशहरा जो है हिंदुओं का त्यौहार है, ये दशमी तिथि को मनाया जाता है। तो जब नवरात्रे खत्म होते हैं, दशमी का दिन होता है, तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन जो है भगवान राम ने लंका के राजा रावण को मारा था और विजय प्राप्त की थी, और इस त्यौहार को इसलिए विजयदशमी भी कहते हैं। और कुछ दिन पहले जैसे दशहरा आने वाला होता है, उसके 9-10 दिन पहले से रामलीला का आयोजन होता है, और रामलीला का आयोजन होता है और इसी दिन रामलीला का दशहरे वाले दिन समापन भी होता है। सब लोग बड़े खुशी से रामलीला मैदान जाते हैं, वहाँ पे रामलीला में राम रावण का जो युद्ध होता है उसको देखते हैं, और बड़े से मैदान में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाथ का पुतले लगे होते हैं, उसमें बहुत सारे पटाखे लगे हुए होते हैं। जब रावण का वध हो जाता है तो इन पुतलों को जलाया जाता है, और राम रावण की सेना की वध करने से पहले झांकियां भी निकलती है। और यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। ये त्यौहार ये हमें बताता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जीत जो है वो अच्छाई की ही होती है। तो बच्चों, इसलिए हमें कभी भी बुराई का साथ नहीं देना चाहिए, हमें उस राह मतलब उस राह को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। और जो अच्छाई का साथ देते हैं उनका नाम हमेशा ही सब लोग खुशी खुशी लेते हैं। जैसे राम का नाम तो खुशी खुशी लेते हैं, रावण का कोई नाम अच्छे से नहीं लेता है, वो मर जाता है, सब खुश होते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा है, वो मर गया क्योंकि उसने बुरे काम किए थे। तो इसलिए इस ये दशहरा का पर्व हमें ये बताता है कि हमें हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए, बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे भी, और आपने इस कार्य को कॉपी में भी करना है। ओके, थैंक यू।